हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। और हम लोग बहुत दुखी है क्योंकि आज ये हम लोगों को छोड़ के जाने वाली है। और इतना दिन से मतलब जो भी, सॉरी गाइस, मैं नीचे इसके लिए देख रही थी क्योंकि मैंने नहा लिया। और ये दो आदमी है घर में, जो आदमी नहीं, मैं औरत हूँ। हाँ, मतलब जो पहन रही उससे तो आदमी ही नज़र आ रहा है। तो और अभी 8:30 बज गया है और आज मेरी सिस्टर जाने वाली है अपने घर। तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, मतलब अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। इसके लिए मुझे ना रात को नींद भी नहीं आया, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी उठ के नहा भी लिया। ठीक है, जीजू को कुछ बोलना है? मेरा नींद लग रहा है। सुबह के 8:30 बजे लोगों को नींद आ रहा है। यस गाइस, क्योंकि ये खुद 9 बजे उठती है। 9 बजे, अभी 9 बजे ही नहीं है और मैं उठ के चाय पी के बैठी हुई हूँ। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मैं 9 बजे उठती हूँ। हाँ, उठती हूँ कभी कभी, आज नहीं उठी क्योंकि आप लोगों को तो न्यूज़ मिल ही गया है। मैं बोलने वाली थी एकदम सस्पेंस रख रख के, ये दोनों आके ना मेरा सस्पेंस खराब कर दिया। और गुड न्यूज़ है कि मम्मी आ गई है। तो मम्मी आ गई है, सुबह के 8 बजे ही मम्मी आ गई और घर भी पहुंच गई है। और मैं हूँ दीदी के घर पे ही। अभी मैं घर जाऊंगी, अभी नहीं जाऊंगी, थोड़ी देर बाद जाऊंगी। और जीजू फेशियल कर देना है। देखिए लोगों को, देखिए मैं जा रही हूँ, उसका कोई दुख नहीं, फेशियल करना है। हाँ गाइस, ये ना ऐसा है कि इसको भी बहुत सारा काम भी निपटा के जाना है क्योंकि ये ना फेशियल करके देने वाली है। मतलब वो तो नहीं बोल रही कि देंगे, पहले तो इनको झाड़ू भी मारना है। मैं ही बोल रही हूँ कि तू फेशियल करके दे के चला जाना, पता नहीं फिर कब आएगा और इतना समय लेके आए भी या ना। तो देखते हैं ये फेशियल करके देते कि, और मुझे ना मेहंदी भी लगवाना है दोनों हाथों में। तो देखते हैं ये क्या करती है। झाड़ू भी मारना है इनको ना, घर पोछा लगाना है, साफ करना है। आज तो जाएगा ना। अभी आप लोगों को पता चला ना, मैं मुझे यहाँ पे बिठा के नहीं रखते हैं। देखिए कितना सारा काम मेरे लिए निकाल के रखा है। गाइस, आप लोग ये मत सोचिए कि हम सब काम इसी से करवा रहे हैं, ये एकदम झूठ है। हम लोग मजाक मजाक में, मतलब हाँ चलिए थोड़ा बहुत हेल्प करते ही है मेरा घर में आते तो। लेकिन ऐसा मतलब बहुत लोग कमेंट करके बोले तू तो दीदी के घर में जाके नौकरानी बन गई, ऐसा भी कमेंट आ सकता है। इसके लिए बोल तो रानी बनना, ये सब कमेंट मत करो गाइस। तो घर में रहते हैं तो मतलब मिल बात के काम तो करते ही हर कोई। तो देखिए, और ये ना बहुत लेजी है, इतना स्लो है, इतना स्लो है। आज वीडियो का शुरुआत अच्छे से किया ही नहीं गाइस। और एक बात अभी याद है, ये ना इतना मतलब स्लो है हर एक काम में, लेकिन खाली वीडियो में जो इतना बात करते हैं इसमें ही ये फंसते हैं। तो आप लोग ये पता और इसमें होना ना टाइम बहुत स्लो है। इसका मोबाइल में टाइम जाता ही नहीं है। हाँ, मैं इतना मतलब मैं खुद का व्लॉग बनाती हूँ तो बोलने से मतलब मेरा समय होता ही नहीं है। 1 मिनट में मतलब इतना सारा बात हो जाता है और इसका मतलब एक बात में 2 मिनट हो जाता है। ऐसा है क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो एकदम आप लोगों को विस्तार से बताती हूँ कि क्या हुआ है। और जब दीदी बोलती है, जैसे दीदी व्लॉग करती है तो मैं ऐसे व्लॉग करती हूँ तो पहले कि आप लोगों को वेलकम करती हूँ, फिर व्लॉग में व्लॉग का शुरू करती हूँ, फिर बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आज क्या होगा, ये सब। और दीदी डायरेक्ट चालू हो जाती है कि नहीं, आज मैं ये करने वाली हूँ, वो करने वाली हूँ, अभी ये हाँ, हो गया तो मेरा बहुत काम करती हूँ, समय भी नहीं होता है। तो इसलिए मोबाइल में तो ब्लॉग छोड़ ही नहीं पाया, ब्लॉग बना ही नहीं पाया। हाँ, काम के चलते देखिए अभी इसका तो अभी, कोई काम नहीं है, इसलिए ब्लॉग बनाते रहते हैं। जो मुझे आलसी बोल रहे थे ये लोग, आलसी बोल रहे थे, लेजी बोल रहे थे। लेकिन लेजी कौन है, अभी मैं तो ब्लॉग कंटिन्यू छोड़ रही हूँ ना। देखिए मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ। काम नहीं है तो छोड़ेगा ही ना। देखिए फेशियल मुझे करना है, मेहंदी मुझे लगा के देना है, झाड़ू मुझे लगाना है और काम नहीं है। इसका वेट देखिए, वेट, ये तो फटा दिया बैठकर, ये फटा दिया, ये तूने बैठकर फटा दिया देखो।
और गाइस हेलो, मैं अभी जमीन पे बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे बोलना है और ऊपर हो जाती हूँ तो दिखाई नहीं देती हूँ मैं कैमरे में, क्योंकि मेरे से इतना छोटी छोटी बच्ची मतलब मेरे पास में ऊपर में बैठ गई है, तो इसके लिए। तो अभी आप लोग सुनिए, जो सबसे मतलब ज़्यादा काम मतलब होता है घर में, खाना वगैरह बनाना, अच्छे से बना के किसी को मतलब खिलाना, तो मैं ही करती हूँ। और ये हाथी है, ये झाड़ू लगा देती है मेरा घर में, क्योंकि मुझे ना झाड़ू लगाना एकदम पसंद नहीं है। अभी अभी मतलब पहले तो पसंद थी, अभी तो शादी होने के बाद मतलब रोज झाड़ू लगाओ, किसको पसंद है यार, किस किस को नहीं पसंद है वो कमेंट करना, किसको पसंद है वो मत कमेंट करना। हाँ, मेरा पति मतलब पीछे से बोल रहा है कि तू लोग सोचेगा कि तू झाड़ू लगाती नहीं है, ऐसा बात नहीं। जीजू आके ना सब कुछ आज क्रिकला आ गया था जीजू के वजह से। जीजू डिस्टर्ब करने में माहिर है, माहिर। ओ दीदी बोल रही थी कि दीदी खाना बनाती है। हाँ दीदी एकदम स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती है। और मैं दो दिन बनाई थी, फिर मेरे उंगलियों का जो हालत हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, मछली का झोल पूरा। हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। और मछली का झोल कैसे बनाया मैंने? देखिए ये जो है मेरा पूरा ना छिल गया दोनों हाथ का, तो मैं खाना नहीं बना सकती। मैं बना सकती हूँ लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पूरा छिल गया एकदम, बहुत दर्द होता है। और जीजू ने एक दिन, तो मैंने एक दिन और एक दिन दोपहर में बनाया था, उसके बाद उस दिन रात को जीजू बनाए थे, तो जीजू तो एकदम मस्त बनाए थे। आप लोगों को दिखाना नहीं हुआ क्योंकि उस दिन व्लॉग नहीं कर रही थी, और अगर मैं एक बार व्लॉग शुरू नहीं करती हूँ तो मैं बीच में से इसे नहीं दिखा सकती थी, इसलिए नहीं दिखाया। और आज तो मम्मी आ गई है, अभी जाएंगे घर। और ये जो है ना, मैं जीजू का स्पॉटिंग पहन के रखी हूँ। ये इनको दे दिया मैंने, इनको दे दिया, बहुत डिटा हो स्पॉटिंग, मेरा स्पॉटिंग लेके जाते हैं, बार बार आते हैं लेके जाते हैं, मेरे तो नहीं है स्पॉटिंग, टी शर्ट पूरा खत्म ही हो गया, बिल्कुल झूठ है, पूरा खत्म ही हो गया, नहीं लगता हूँ, बिल्कुल झूठ है ये मेरा स्पोर्ट टी शर्ट लेके जाते हैं। सच्चाई बताओ, सच है सच, ये हमेशा जीजू का ही कपड़ा पहनती है। हाँ। मतलब पेन भी पहन लेगी, हाँ पेन भी पहन लेगी, अभी तो स्पोर्टिंग भी पहन लेते, पता नहीं कुछ दिन बाद गेंजी भी ना पहन ले। खाली एक ही चीज बाकी है वो आप लोग खुद समझ जाना। हंसी मजाक बहुत हो गया आप लोगों को, क्या बताने आई थी इन लोग, ये दोनों आके पता नहीं व्लॉग को कहाँ लेके गए, मुझे क्या बोलना था मैं भूल ही गई। तो अभी हम लोगों ने चाय पी लिया है, अभी 9 बज गए हैं, अभी तक हम लोगों ने नहाया नहीं है। और ये मेरे जीजू को देखिए, अभी तक नहीं नहाए हैं। मैं तो अभी नहा लूंगा अभी नहा लूंगा, मैं भी तो अभी नहा लूंगी, मैं नहीं नहाऊंगी क्या, तो अभी मैं नहाऊँ, अभी नहीं नहाऊंगी, थोड़ी देर बाद नहाऊंगी, उसके बाद घर जाना है। मम्मी आई है, मम्मी घर से क्या क्या लाई है आप लोगों को दिखाऊंगी। ये तो खाली शरीर में पानी डाल के चला जाएगा, हमको साबुन से नहाना, शरीर में पानी डाल के चला जाएगा, सुनिए साबुन नहीं लगाऊंगी, पानी बाथरूम में ऐसे गिरा देते हैं, मैं इतनी भी गंदी नहीं हूँ, बाल भीगते नहीं है, मेरा बाल भीगता नहीं है, तो ये जो मैंने ऑयल लगाया है ये कैसे धुलेगा, इसीलिए ऑयल लगा के रखा। गाइस इनका जूत एक मतलब आप लोग सुनिए ही मत, क्योंकि आप लोग देखते हैं ना मैं ऑयल लगाती हूँ फिर वॉश भी करती हूँ, क्या बोलते हैं जीजू, मैं व्यूअर्स सोचेंगे कि ये इतनी आलसी है, मतलब अपने बाल भी नहीं धोती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। और आज का व्लॉग का स्टार्टिंग इतना लंबा हो गया, चलो अभी ना मैं कुछ क्या इम्पोर्टेंट करती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है, आप लोग व्लॉग में बने रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आप लोगों की सब्सक्राइब की ज़रूरत है क्योंकि तभी आगे बढ़ूंगी ना। तो और जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, मैं बहुत मोटी होगी, देखिए डबल चिन आने वाला है। और ये देखिए मैंने कितने दिनों बाद नेल पॉलिश लगा है, खुद का भी नहीं है, क्यों क्यों क्योंकि
आज कितने इस कौन बार सा देखो, मैं तो नहाने जाऊंगा ही। हाँ, देखो हाँ, मैं तो देखो ये ले लिया। देखो देखो जयनम, कॉपीराइट आएगा क्या? क्यों? गाना गाने से कॉपीराइट आता है। मैंने तो ने जन्म भी किया तो ये नेल पॉलिश मेरा है नहीं, ये चोरी किया है दीदी से। ये चोरी क्या है? अगर दीदी से चोरी किया है होता तो मैं फेंक देती, मुझे एकदम पसंद नहीं है ऐसा कलर, एकदम भी नहीं। ये ना मैं बताता हूँ, ये ना दरवाजे में लगाया हुआ कलर है, थोड़ा बचा है, इसने नेल पॉलिश करके लगा लिया। जो लोग ऐसे वाला कलर लगाते हैं, देखो देखो ये बक्सा का लगा हुआ कलर है, यही कलर ना, ये कलर ना। गाइस इंसल्ट कर दिया मेरा आज ब्लॉग में। देखिए एक ही साली हूँ और एक ही बहन हूँ, उसका भी इतना इंसल्ट करते हैं ये लोग। ये बहुत काली है। ये तो अच्छा से, ये थोड़ा मोबाइल का ब्राइटनेस देके निकलते हैं और मेकअप लगाते हैं। गुस्सा आ गया। मैं काली हूँ, मोबाइल का फिल्टर कौन नहीं लगाता जीजू? इसका टीट देखो रियल में कैसा है। देख लीजिए मेरा टीट रियल में कैसा है, अच्छा सा है। नहीं ये बहुत गंदा है, इतना सुंदर तीज है, कोई भी फोटो खींचती हो तो ये तीज निकल के खींचती हूँ इसका। तो बहुत हो गया हंसी मजाक और बहुत टाइम भी चला गया, पता नहीं 10 मिनट तो अभी बोल लिया होगा मैंने, घंटे भर का ब्लॉग बन जाएगा। तो चलिए अभी काम करते हैं, लेट्स गो। और कल मैंने मेहंदी लगाया था है ना, और अभी ऑयल लगा के रखा है, फिर हेयर कट करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। ओके तो बने रहिए ब्लॉग में, आज नहीं करेंगे, जब करेंगे तब दिखाएंगे। कुछ भी बोलना है क्या? पता कब करेंगे, क्योंकि हम लोगों का हर एक प्लानिंग अनसक्सेसफुल होता है, क्योंकि अभी मम्मी आ गई है, अभी तो अनसक्सेसफुल होना ही है, क्योंकि मम्मी कभी हेयर कट के लिए मानती नहीं है, जिंदगी में नहीं मानती है, कभी नहीं मानती है, मानना ही नहीं है उनको। तो मुझे नहीं लगता मेरा हेयर कट कभी होगा, इसलिए मैं प्लान बना रही थी ना दीदी, जब तक मम्मी नहीं आती तब दीदी को बोल 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 के अपना हेयर कट करवा। दीदी भी है, दीदी बोले मम्मी आएगी तो तुझे तो नहीं डांटेगी, मुझे डांटेगी कि तूने करवा करने के लिए बोला, इसलिए उसने भी लेके नहीं गया, इसलिए मेरा हेयर कट नहीं हुआ। अभी मम्मी को ही बोलना पड़ेगा, मम्मी थोड़ा सा कट कर लो थोड़ा सा, और जाके पार्लर बेटे को बोलूँगी सारा कट दो। हे गाइस तो अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और मैंने नहा लिया, हेयर वॉश कर लिया। जो लोग बोल रहे थे कि मतलब जीजू और दीदी बोल रहे थे ना मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ, ये देखिए सबूत, तो मैंने हेयर वॉश कर लिया और अभी हेयर को कॉम्ब भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। और अभी मैं बैठी हूँ, लोगों को दिखाती हूँ कॉपी पेन लेके। तो मुझे ना कुछ लिखना था, बहुत दिनों से लिखना था, और मतलब मैं इतनी लेजी हूँ ना, कभी कभी मैं मतलब आजकल पढ़ाई नहीं होता है, टाइम ही नहीं मिलता पढ़ाई करने का, और पढ़ाई करने की स्कूल कॉलेज नहीं होने से क्या होता है कि पढ़ने का दिल भी नहीं करता है। तो वही हो रहा था मेरे साथ कि मैं नहीं पढ़ रही नहीं पढ़, लेकिन मुझे लिखना ही था क्योंकि मैंने जिम्मेदारी लिया है, तो मुझे ख़त्म तो करना ही पड़ेगा, तो मुझे लिखना था। तो वो मैंने आज तक नहीं लिखा और आज मुझे वो देना है कंप्लीट करके, तो इसलिए मैं वो लिखूँगी अभी। और दीदी बना रही है खाना, चावल बना रही है, चावल और ऐसे ऐसे कुछ बना रही है, अंडा बना रही है। और जीजू गए हैं अपने काम पे,
तो जीजू आएंगे, दीदी का खाना बनेगा, हम लोग खाना, मैं लिखूंगी, तीनों अपने अपने काम करके जब काम ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग चले जाएंगे अपने घर। डियर जीजू भी जाने वाले हैं, पता नहीं लास्ट में उन लोगों का प्लान कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन जाने का तो प्लान है कि वो दोनों भी जाएंगे मुझे छोड़ने के लिए और मम्मी से भी मिलने के लिए, क्योंकि इतने दिन से नहीं मिले ना, सब लोग मिस कर रहे थे, तो वो लोग भी जाएंगे। तो अभी अपना काम कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि पता ही है एक बार मूत मतलब चला गया तो फिर हो गया। और मैंने कल हैना लगाया था ना, अगर दिखाती हूँ, हेयर रेड रेड हो गया, यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, रेड रेड हो गया थोड़ा सा। गाइस तो अभी दोपहर के देर बज चुके हैं 1:30 और जीजू भी आ गए हैं और मेरा भी हो गया लिखना, सब कुछ हो गया। दीदी एकदम साइड में बैठ बैठ के इतना मोबाइल लिखा दीदी ने, मुझे ना ऐसा लगा कि मुझे नहीं दिखने को नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है और मैं रिलैक्स हूँ अभी। और अभी हम लोग खाएंगे खाना, दीदी खाना निकाल रही है, खाना दे रही है, तो खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे हमारे घर। जीजू आके देखिए ये पानी, जीजू आ गए और अभी हम लोग जाएंगे अपने घर और आज से इस घर को बाय बाय कर देंगे, आज से नहीं आएंगे। और गाइस ये देखिए दीदी ने बनाया है एक एक बनाया है दीदी ने, डक का अंडा, डक का अंडा का क्या बनाया है ये, इसको क्या बोले, ग्रेवी, यस। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे और जीजू खाएंगे मैगी। हे गाइस तो अभी हम लोग आ गए हैं घर और मेरे साथ डीएन जीजू भी है और अभी आप लोगों को मम्मी से मिलने को मिलेगा बहुत दिनों के बाद। जीजू ना आज पता नहीं इनको क्या है, कुछ भी बोल रहे हैं, इसलिए आज जीजू को ब्लॉग में नहीं लाएंगे, नहीं दिखाएंगे। जीजू कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है मैं खुद ही दिखा देता हूँ। सूर्य देवता मेरे पूरा ऊपर प्रसन्न होके एकदम आँख में ही पड़ रहा है, ले लो मोबाइल ले लो, मेरा सुंदर सुंदर दांत सुबह जो इसका इंसल्ट हुआ था, मैं घर पे थी तो हेयर कितना अच्छा होके रखा था, अभी ना इसका मैनेजेबल हेयर हो गया है अभी इसका, इससे आप हेयर का बापरे हेयर केयर पूछिए, मैं आगे जाके बताती हूँ, अभी बताने लगे थक गई। चलिए घर पे मिलते हैं। गाइस दीदी कुछ बोलेंगे, गाइस अभी मेरी सिस्टर खाने में बटर खाती है, इसके लिए इसका गाल देखिए, बटर मेरा नेल पॉलिश। हम लोग पहुंच चुके हैं घर और अभी मां मम्मी से मिलाते हैं आप लोगों को, लेट्स गो। थकी मैं, ये रही मम्मी, आ गई है मम्मी, मम्मी आई है। देखिए मम्मी के घर पे जाके बीमार होके आई है और देखिए क्या हुआ, मम्मी को देख के आप लोग बताइए, मम्मी पतली हो गई या मोटी हो गई, गाँव जाके काली होके आई है मम्मी। चलिए घर चलते हैं गाइस, देखिए मम्मी जाके बैठ गई है अपनी जगह पे और यहाँ पे दीदी को सेट कर दिया। गाइस वेलकम टू माय फूड व्लॉग टू फूड चैनल, और यहाँ पे मम्मी गांव से क्या लाई है देखिए, बर्फी लाई है, एक मेरा, एक जीजू का, एक दीदी का और एक मम्मी का चार थू, और कुछ लाई है ये आप लोग देखते रहिए यहाँ पे क्या है, अनबॉक्सिंग करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और की पानी सामा चलो यहाँ अभी दिखाई दी, और यहाँ पे भी कुछ है,
कचौरी हम लोगों के लिए, कचौरी और कुछ लाई है मम्मी। यो ये हम लोगों का सबका फेवरेट, सबका फेवरेट गजा, बड़ा बड़ा गजा, बड़ा बड़ा गजा। यहाँ पे भी कुछ लाई है मम्मी, और जीजू को देखिए, ये जीजू है, कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पे जीजू था, ये जो है ये जीजू का। और यहाँ पे और कुछ लाई है मम्मी, कितना सारा लाई है, हम लोग खाएंगे सब कुछ। आप लोगों को दूर से दिखाते हैं, दीदी दूर से दिखाओ मम्मी क्या क्या लाई है। ये बर्फी, फिर कचौरी, फिर ये, फिर से गजा, तो गजा नहीं खुरमा, खुरमा गजा पता नहीं, इतना नहीं पता मुझे। और यहाँ पे सबसे फेवरेट मेरा ना सबसे फेवरेट चीज ये, ये खाएंगे गाइस। यहाँ पे देखिए जीजू को, पहले आप लोग जीजू को देखिए, कचौरी कितना था, 3 जीजू के हाथ में कितना है देख लीजिए। और ये है वो इंसान जो 2 कचौरी खा रहे हैं, और ये मेरी दीदी जो देख रही, ये देखिए मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, मुझे यहाँ पे बिठा के रखे हैं। और देखिए जीजू को भी छोड़ दिया, हमको नहीं छोड़ सकता, एक झूठ बोल रहा है। और इन दोनों को देखिए। हाय गाइस, तो अभी हम लोग व्लॉग एंड कर रहे हैं, बहुत लंबा खींच गया शायद ये व्लॉग, अभी एडिटिंग के बाद ही पता चलेगा। और मैं तो अपना व्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ, सोच रही हूँ अभी इसका छोड़िए, मेरा बात क्या बोलूँ। फिर भी इसका व्लॉग के जरिए से ही मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। इतना क्रीम मतलब लगा क्या है इसका, ये देखो शाइनिंग मर रहा है, ये जीजू ना हमेशा ये सब। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों का मेरा ब्लॉग, ये आप लोग जरूर बताइएगा। और गाइस इसमें सबसे ज्यादा एंटरटेन सुबह बोल रहा है, मैंने नाखून के कलर के बारे में, इसके बारे में, ये देखो, ये देखो यहाँ का कलर चोरी किया है, यहाँ का कलर चोरी किया है, सेम सेम। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत बहुत ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना भी हो सके फ्रेंड्स को आप लोग शेयर कीजिए ये व्लॉग, और हम लोगों को बहुत सारा प्यार दीजिए कि हम लोग और अच्छा अच्छा व्लॉग ला सके आप लोगों के लिए। प्लीज 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 गाइस सब्सक्राइब कीजिए हम लोगों का चैनल, और जो भी देख रहे हैं फेसबुक में हो या यूट्यूब में हो, प्लीज एक शेयर कर दीजिए, प्लीज एक शेयर कर दीजिए, मेरा दिन बन जाएगा। और आप लोगों से मिलेंगे बहुत जल्द एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए।